तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अगर इस वाले प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहते हैं कि रवि थ्रो ए बॉल विद वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हॉरिजेंटली। तो अभी क्या फेंका गया है? अभी बॉल हॉरिजेंटली फेंका गया, मतलब ऐसे सीधा फेंका गया है और 8 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। द बॉल स्ट्राइक रामू प्लेइंग इट 12 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जर्वर है, उसको ये 12 मीटर पे है, उसको ये बॉल मिल जाता है। दिस इज द ऑब्जर्वर नंबर टू प्लेइंग हियर, द नेम इज रामू। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? अगर मुझे बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, हम सबको पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो टाइम लगा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस मतलब ये और वाई एक्सिस में मतलब नीचे, वो सेम होता है। तो अगर तुम देखोगे तो एक्स एक्सिस के लिए अगर मैं लगाता हूँ तो रेंज की वैल्यू क्या होती है? रेंज इज इक्वल टू एक्स एक्सिस वाली स्पीड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम अप्लाइड। एक्स एक्सिस में सीधा फेंका गया था तो यहाँ पर वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी 0 है और एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी 8 है, जो कि कभी चेंज ही नहीं होगी, हर पॉइंट पे एक्स में ऐसे ही रहेगी। तो ये वाली जो चीज़ देखोगे तो 8 आ गया टाइम अप्लाइड टी और ये आ जाएगा 12, रेंज आ गया तुम तो टाइम अप्लाइड आ जाएगी 12/8। 12/8 मतलब होता है ये 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तुम देखोगे 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम, हमें ये बात पता चल गया कि 3/2 सेकेंड में बॉल जो है वो नीचे आ गया हो। ठीक है, तो अब मैं बिल्डिंग की हाइट के लिए मैं एस इज इक्वल टू UT+ ½AT² लगा देता हूँ किधर? वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वाई एक्सिस में जो बिल्डिंग की हाइट है वो एच है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और -½ जी की वैल्यू चलो मैं 10 ही ले लेता हूँ और टी का स्क्वायर मतलब 9/4। तो 9/4 अगर पूरा देखोगे तो ये आ जाएगा 90/8 माइनस 19/8 मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये -11.2 के आसपास आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -11। माइनस साइन शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बॉल का वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो नेगलेक्ट माइनस साइन, वी जस्ट नीड टू मैग्नीट्यूड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।